इस कुदरत में, इस धरती में ऐसे कई किस्से हैं कि बेटी पिता को और पिता बेटी को अपना जिगर का टुकड़ा मानता है। आज ये कैसे ही पिता ने अपनी बिटिया के लिए अपनी पत्नी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। होटल सागर इन की नई सौगात रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन, वो भी एक ही छत के नीचे, अब आपके सागर में, तो जरूर पधारें हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर। जहां बेटी की धूमधाम से शादी हो रही थी, बेटी दुल्हन बनी थी, बारात आ चुकी थी, 7 फेरे पड़ने वाले थे, इतने में पिता ने पुलिस को बुला लिया। कहा कि हम अपनी फूल जैसी मासूम की शादी नहीं करवाना चाहते। यह खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के कड़ाकोटा के रेंगवा गांव से जुड़ी है, जहां पुलिस पहुंची और शादी रोक दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि पिता ने आखिर अपनी ही बेटी की शादी क्यों रुकवाई, तो हम आपको बता दें कि बेटी यानी दुल्हन की उम्र 16 साल थी, जो अभी नाबालिग है। मां जबरन शादी करवाने पर अड़ी थी, लेकिन पिता सोचता था कि अभी हमारी बेटी छोटी है, नाबालिग है, इस वजह से पिता ने तमाम चीज़ों की परवाह करते हुए पुलिस को बुला लिया। किशोर इकाई की प्रभारी ज्योति तिवारी ने जब दूल्हे से शादी न करने की बात कही, तो बाराती और दूल्हे के परिजन गुस्से में आ गए, लेकिन पुलिस ने जब पुलिसिया स्टाइल में उन्हें समझाया तो सभी मान गए और बारात बिना दुल्हन के बेरंग लौट गई। पर जब हमने वहाँ जाके उन लोग लड़की को बुला के उसके दस्तखत लिए, तो उसमें सबसे पहले तो यही भेद खोला झूठ का कि लड़की पढ़ी लिखी है, 7वीं तक पढ़ी है बोले। फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने बातचीत, बोले पिता नहीं है, माँ छोटी सी बच्ची लेके आए थे, इसलिए हम लोग शादी कर रहे हैं। पर हमने दोनों पक्षों को बुलवाया, उसमें सभी, चूँकि दिन की शादी भी थी, पर सभी ड्रिंक किए हुए थे इतनी ज़्यादा कि किसी बात को मानने को तैयार नहीं थे। और चूँकि हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ और हो गई थी कि आज शायद हमने बाल विवाह में इतनी कार्यवाही की, इस बाल विवाह में हम ज़्यादा परेशानी हुई कि लोग मानने को तैयार नहीं थे, ना माँ बाप ना घर वाले। और जब हमने बहुत मेहनत की और जाके उनको समझाई दी और लड़के को बुला के समझाया, जब दूल्हे ने उसमें ये बोला कि नहीं नहीं आप सही बोल रहे हैं और हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए, और दूल्हा मान गया, इसके बाद ही घर लड़की पक्ष वाले माने, इस तरह हमने ये बाल विवाह रोका। हालांकि एक बार फिर पुलिस ने यह शादी रुकवा कर अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन उस पिता को हम बारम्बार प्रणाम करते हैं जिसने अपनी बेटी की मासूमियत पर आज जबरदस्त न्याय किया है। आज उसने पिता होने का धर्म अदा कर दिया। ऐसे पिताओं को मंत्री और सरकार द्वारा इनाम मिलना चाहिए। ऐसे पिताओं को बेटी बचाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। आज इस पिता ने पूरे जहान को यह बता दिया कि बेटियों के लिए पिता का प्यार आसमान है, जो जब तक धरती रहेगी आसमान रहेगा, तब तक पिता का बेटी के लिए प्यार, मोहब्बत, इश्क जिंदाबाद रहेगा। आसु दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, रहली। अब आपके शहर सागर में डाइट रेस्टोरेंट सुविधा के साथ अनुभवी ट्रेनरों सहित जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम, पता याद रखें, राजघाट रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।